थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज पुलिस चौकी के अंतर्गत कूड़ा घाट विशुनपुरवा निवासी दीपक निषाद ने 16 अप्रैल को प्रेमिका के घर पहुंचकर खुद को आग लगा लिया, जिसकी रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि 16 अप्रैल को रात 8 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने स्वयं को आग लगा लिया है तथा वह व्यक्ति महादेव झारखंडी का रहने वाला है, जिसका नाम दीपक निषाद पुत्र भुआल के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि तफ्तीश में पता चला कि प्रेम प्रसंग का मामला था तथा वह प्रेमिका के घर के सामने पहुंचकर स्वयं को आग लगा लिया था, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उसने कई बार आत्महत्या करने का प्रयास किया था। एसपी ने बताया कि प्रेमिका का पति रेप के आरोप में जेल में बंद है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, अच्छा थाना अंतर्गत एक पुरुष ने यहाँ को आग लगा कर क्या मामला। एक दिनांक 16/4 को रात के 8 बजे सूचना आई थी कि एक व्यक्ति ने स्वयं को आग लगा लिया। महादेव झारखंडी का रहने वाला है वो, उसका नाम है दीपक निषाद सन ऑफ भोवाल। इसका प्रेम प्रसंग का मामला था और अपने प्रेमिका के घर के सामने जाके इसने स्वयं को आग लगा ली थी। इसको सदर हॉस्पिटल लेके गए थे, उसके बाद BRT में गया था, वहाँ इसकी मृत्यु हो गई। पहले भी बताया जा रहा है कि 2-3 बार इसने प्रयास किया है। कुछ आपराधिक इतिहास भी है नहीं, इसका कोई आपराधिक इतिहास तो है नहीं। इनके जो महिला जिसे इनका प्रेम संबंध था, उनके पति रेप के आरोप में जेल में है, ऐसा बताया जा रहा है। और पहले कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा है इनका।